राजगढ़ जिले के ब्यावरा रोड पर भगवती ढाबे के पास एक महिला के साथ बलात्कार की घटना सामने आई थी। मानसिक रूप से कमजोर यह महिला थी। पूछताछ में उसने कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं दी पाई, लेकिन उसने कुछ इशारा किया जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और आखिरकार युवकों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं सामूहिक बलात्कार में फरार 10,000 रुपए के इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मई के महीने की घटना है। 31 मई को एक विक्षिप्त महिला थी। उस विक्षिप्त महिला के साथ में ये दो आरोपी हैं, एक धर्मेंद्र गुर्जर और एक राजीव गुर्जर। और इन दोनों ने उस महिला को अगवा करके और उस महिला के साथ में गैंगरेप किया गया था। और उसके बाद में जो एक आरोपी धर्मेंद्र गुर्जर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरा आरोपी जो राजीव गुर्जर है, तो ये उस वक्त घटना के ही बाद से फरार था। तो तब से लेके काफ़ी टीम लगा करके इस आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन ये आरोपी चूँकि भाग गया था तो इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 10,000 रुपये का इनाम इसकी गिरफ्तारी पर घोषित किया गया था। तो कल मुखबिर के द्वारा रात में सूचना मिली थी कि ये अपने गांव में आया हुआ है। तो आज सुबह ही एक टीम लेकर के, और जिस टीम में मैं था और मोनिका सब इंस्पेक्टर और बाकी टीम के लोगों के द्वारा जा करके घेराबंदी करके आज इसको गिरफ्तार किया गया है। और इसके खिलाफ़ जिला बदर की और भी जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है वो की जा रही है।